इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप के अंदर जो नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं उनको रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दो सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जिससे आप ये प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर आप जो है एरोप्लेन मोड को लगा सकते हैं, उससे आपकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स रीस्टार्ट हो जाती है बहुत हद तक। और एक नेटवर्क सेटिंग रीस्टार्ट भी रहती है जिससे हम यहाँ पर अब उसे रिस्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस पर जाते हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर, स्टार्ट पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपने लैपटॉप की जो है सेटिंग्स में जाएंगे, ये रही यहाँ पर सेटिंग्स, इस पर हम क्लिक करके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स दिखाई दी जाएगी, इस पर हमें क्लिक करके चले जाना है। और यहाँ पर जो है जब हम नीचे जाएंगे, एक तो हमें यहाँ पर एरोप्लेन मोड मिलेगा, तो यहाँ से हम इसको ऑन करके भी ये सारा काम कर सकते हैं। इससे सारी वायरलेस कम्युनिकेशंस स्टॉप हो जाती हैं। और उसके बाद हम जब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स दिखाई देती हैं, इस पर क्लिक करके चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो नेटवर्क रीस्टार्ट हमें यहाँ पर दिख जाता है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, और रीस्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर और यस कर देते हैं इसे, तो यहाँ से नेटवर्क को रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप इस तरीके से इसको नेटवर्क को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज पर हम टिक कर देते हैं और इसको काट देते हैं यहाँ से। तो ये प्रोसेस इसका रहता है इजी सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।